यार केवल आप दोनों ट्विंस हैं क्या? हाँ हम दोनों ट्विंस हैं। क्या नाम है आपका? अमन। आप आ गए तो भाई साहब बोलने का नहीं को दिया क्या? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अबे अबे अमन तो आपके योगी जी भी थे तो क्यों वहाँ पे घंटा बजा रहे वेट की? फिर सरकार केवल चर्बी और गर्मी की बात कर रही, भर्ती की कोई बात नहीं हो रही है। हम ये तो कह रहे हैं कि वहाँ से लड़ेंगे और योगी जी को हराएंगे, वहीं से विधानसभा पहुँचेंगे। समर्थन देना होता है खुले रूप में तो वहाँ पे जो मतदान होता है वो चार दीवारी के अंदर क्यों होता है? बुद्ध पर सबके सामने चौराहे बैठ के न कराया जाए। अगर तुम मोटरसाइकिल लेके जाओगे तो 20 दफे पंचर होगी और पंचर वाला करोड़पति हो जाएगा और जो मोटरसाइकिल वाला है वो बेकारी पड़ जाएगा। ऐसे रोड है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव, आप देख रहे हैं द सुनामी का चुनावी सफर। और इस समय हम लोग राठ में मौजूद हैं। पहले चरण की वोटिंग हो चुकी है। आज 11 तारीख है जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं। 14 तारीख को दूसरे चरण की वोटिंग होनी है और तीसरे चरण में बुंदेलखंड में चुनाव है। 20 तारीख को राठ में वोटिंग होनी है। यहाँ पे कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं और ये जो लोकेशन है ये सागर तालाब है। सागर तालाब है तो ये मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं सागर तालाब है और सुंदर सा तालाब है, साथ में पार्क भी है। और यहाँ से हम लोग जो हमारे साथ लोग मौजूद हैं इनसे हम लोग जानेंगे, पूछेंगे कि क्या स्थिति राठ की है। राठ हमीरपुर ज़िले की विधानसभा है, हमीरपुर ज़िले में हैं हम लोग। और पिछली बार की अगर हम बात करें 2017 की तो बुंदेलखंड के 19 सीट, 7 जिले और सभी पे भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा। लेकिन इस बार क्या माहौल रहेगा? क्योंकि जो जिस तरीके की वोटिंग कल की गई उससे ये लग रहा है कि एक हवा जो गठबंधन की थी वो उठी है। और क्या वो हवा बुंदेलखंड तक आएगी ये बहुत बड़ा सवाल है। तो यहाँ पर जो लोग हमारे साथ मौजूद हैं इन लोगों से बातें करेंगे कि क्या माहौल है, किसकी सरकार बनाना चाह रहे हैं, बीती जो जो कार्यकाल सरकार का रहा, भाजपा सरकार का, योगी सरकार का, ये कैसा रहा, इससे खुश हैं कि नाखुश हैं, ये इन लोगों से समझेंगे, इन लोगों से जानेंगे। और आने वाले चुनाव में 10 मार्च को किसको अपना मुख्यमंत्री देखना चाह रहे हैं, कौन होगा लखनऊ की गद्दी, कौन लखनऊ की गद्दी पर बैठेगा, ये हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंद्रशेखर है और मैं जिला महासचिव हूँ आजाद समाज पार्टी से, हमीरपुर से। अच्छा, आपका नाम भी चंद्रशेखर ही है? हाँ, मेरा नाम भी चंद्रशेखर ही है। तो क्या माहौल है सर राठ में? राठ में माहौल तो अभी त्रिकोणीय मुकाबला चल रहा है, कोई बहुत स्पेशल लीड लेके नहीं चल रहा है। बसपा भी अपनी तरफ, बसपा के भी लोगों की तरफ रुझान, बसपा की तरफ लोगों का रुझान ज़्यादा दिख रहा है बसपा की तरफ, हाँ राठ के हिसाब से। बाकी ये है कि अच्छा, पिछली बार के मुकाबले यहाँ पर जो बाहुल्य वोट है वो लोधी वोट, राजपूत बिरादरी, ठीक है। और उसमें जिस तरीके से सपा ने एटी टाइम पे टिकट के बंटवारों में गड़बड़ियाँ की हैं उससे थोड़ा सा दो हिस्सों में बढ़ता दिख रहा है। उसकी तरफ से उसकी वजह से बीएसपी थोड़ा अपनी लीड लेके चल रही है अपनी तरफ से। अच्छा, सपा ने जो टिकट बांटने में गड़बड़ी करी उसकी वजह से बीजेपी आगे होगी? हाँ, मतलब बीजेपी को थोड़ा सा फायदा हुआ उसका एक्चुअली फायदा, जो वोट बैंक बंटवारे की वजह से बीएसपी लीड लेके चल रही है यहाँ के हालात में। बीएसपी लीड में है? हाँ, बीएसपी लीड में यहाँ की विधानसभा के साथ। जी कहीं दिखाई नहीं दे रही, बहन जी ना किसी की बात कर रही है, मायावती जी कहाँ है? एक्चुअली है क्या, हाथी नज़र आ रहा कुछ नहीं? देखिए मैं अपनी पार्टी की बात रख रहा हूँ, मैं हाथी का नुमा, हाथी की पार्टी से मतलब बीएसपी बात कर रहे हैं कि बीएसपी आगे है, मैं इस वजह से। देखिए यहाँ हमारी पार्टी को कैंडिडेट नहीं लड़ रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ की जो परिस्थितियाँ दिख रही हैं उसके हिसाब से यहाँ बसपा राठ विधानसभा में बसपा आगे चल रही है। अब रही बात बसपा के वर्तमान मतलब सेंट्रल परिस्थितियों में, प्रदेश की स्थितियों में आगे चलने की, उस वहाँ दिक्कत ये है कि बसपा का जो वोटर है वो साइलेंट वोटर है। पिछले 3 चुनाव से आप देखेंगे लगातार उनका जो वोट परसेंटेज रहा वो फिक्स रहा, ठीक है, उससे बहुत ऊपर नीचे नहीं हुआ। बाकी पार्टियों का भाजपा सीधे डायरेक्ट उछाल मार गई, सपा का एकदम से ग्राफ लो हुआ ग्राफ, ठीक है। तो दिक्कत ये बसपा का जो है वोटर उनका कोर वोटर है और वो अब इस चुनाव में साइलेंट रूप से आपके खास तौर पे हम लोग जैसे ठीक है बहुत युवा हैं तो दिख जा रहे हैं, वरना आपको बहुत रोड पे नहीं मिलेगा बताते हुए कि नहीं हम बसपा के वोटर हैं। या उसका जो बसपा का वोटर क्या साइलेंट, बसपा के नेता भी साइलेंट हमें नज़र आ रहे हैं ना बहन जी, कहाँ कुछ बोल रही हैं? उनका जो अपना स्टैंड है, ठीक है, वो मतलब उनका हमेशा इसी तरीके से रहा है चीज़ों को लेकर, बहुत खुल के नहीं रहा चीज़ों को लेकर कभी, ठीक है। लेकिन वो है कि यही कारण है कि बसपा उत्तर प्रदेश से ख़त्म होती नज़र आ रही है। अब देखिए दिक्कत तो कहीं ना कहीं है कि वो बहुत खुल के रोड पे नहीं आते, ठीक है। दिक्कत ये है कि बसपा को वोट चाहिए दलितों का, लेकिन दलितों की लड़ाई लड़ने की जब बात आती है तो लड़ाई लड़ने के लिए अगर बसपा ही इतनी दलितों की लड़ाई लड़ रही होती तो चंद्रशेखर भाई का जन्म नहीं होता, आजाद समाज पार्टी पैदा नहीं होती, बीमारी पैदा नहीं होती। अगर दलितों की इतनी लड़ाई बसपा लड़ रही होती, बसपा पूरी तरीके से दलितों की लड़ाई के लिए कहीं ना कहीं वोट के टाइम आता है तो उनको दिखता है कि नहीं बसपा को कि हम दलित हमारा वोट बैंक है। समाज पार्टी की आप बात करें, कौन से पद पर आपने बताया अभी? मैं जिला महासचिव हूँ यहाँ से। जिला महासचिव हैं आप। आपको नहीं लगता कि चंद्रशेखर जी को कोई सुरक्षित सीट पकड़ लेनी चाहिए थी, कहीं से चुनाव लड़के विधानसभा तक पहुँचना चाहिए था, ऐसा लगता है कि कहीं गलती तो नहीं होगी गोरखपुर में जाके? देखिए क्या है ना कि सुरक्षित सीट तो हर व्यक्ति पकड़ के आराम से जीत जा सकता है भाई, के भाई हिम्मत हर कोई नहीं करता ना योगी जी के साथ लड़ने की। पहले विधानसभा में पहुँचने की जरूरत है ना, तो
अरे भाई साहब, आज कब तक सड़कों से उठाते रहेंगे, कब आप विधानसभा में जाएंगे? हम ये तो कह रहे हैं कि वहाँ से लड़ेंगे और योगी जी को हराएंगे, वहीं से विधानसभा पहुँचेंगे। हाँ, ये बिल्कुल पक्का लगता है आपको? अरे बिल्कुल लगता है, आप देखिएगा उस समय हालात ऐसे। 3 दशक से गोरखपुर में बीजेपी का कब्जा रहा है। हाँ ठीक है, तो इस बार तो योगी जी खुद मैदान में हैं। बहुत आपने देखा, इससे पहले उपचुनाव जब हुआ तो वहाँ योगी जी हारे, उससे पहले पिछले 5 बार चुनाव में कभी योगी जी वहाँ से हारे नहीं। निषाद पार्टी से गठबंधन था, इस बार निषाद भी साथ में है बीजेपी के। हाला देखिए, वहाँ डायरेक्टली लड़ाई जो है ठीक है चंद्रशेखर भाई और योगी जी के बीच में है ठीक है। बाकी जो आपने प्रत्याशी दिए हैं, शायद बाकी प्रत्याशी शायद डमी तौर पर प्रत्याशी दे दिए, बहुत मजबूत प्रत्याशी वहाँ नहीं दिए हुए। सीधी सीधी लड़ाई चंद्रशेखर यादव और योगी आदित्यनाथ के बीच में है। चलिए ठीक है, देखेंगे कि चंद्रशेखर क्या कमाल कर पाएंगे गोरखपुर में। और कुछ लोगों से बातें करते हैं। जी भाई साहब, क्या नाम है आप? मेरा नाम शरद चौधरी है। क्या माहौल लग रहा है? माहौल देखिए साहब, ऐसा है कि जो वर्तमान समय राठ विधानसभा कही जाए, बुंदेलखंड का सबसे पिछड़ा हुआ इलाका माना जाता है, और यहाँ राजनीति लोग मुद्दों पे नहीं, आस्था पे लड़ते हैं। और बीजेपी की तरफ आस्था है फिर? तो जो बीजेपी का जो ट्रेंड है वो हिंदुत्व की बात करेंगे, वोटर को अपने पक्ष में करेंगे, लेकिन जो शिक्षा स्वास्थ्य और रोजगार पर बात करेगा युवा वहाँ जाएगा। अच्छा। जी हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी। अब हमें देखना है कि युवा किस तरफ डाइवर्ट होता है। वर्तमान समय में भीमा भी युवा हैं, बताएं किस तरफ डाइवर्ट। मैं युवा हूँ, मैं पार्टी से जिम्मेदार पदाधिकारी भी हूँ, तो देखो हम लोग वहाँ जाएंगे जो भाजपा को हराएगा, क्योंकि वर्तमान सरकार जो 5 साल से है, ना तो युवाओं को रोजगार मिला है, ना यहाँ पे कोई विकास का काम हुआ है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस बना, 5 साल पूरे हो गए हैं, अभी आप जाके देख लीजिए, योगी जी ने फीता कटवा दिया था, पूरा बना वो बन के तैयार नहीं हुआ है। अच्छा। तो ये भाजपा का झूठा विकास है, ये धरातल पे काम नहीं है, सिर्फ टीवी में और हमें पोस्टर में काम देखने को मिल रहा है। जो धरातल पे काम करेगा, जो मेडिकल सुविधा अच्छी देगा, अभी अमित शाह जी अगले चुनाव में आए थे 2017 के में, बोल के गए राठ में हम रेलवे लाइन लाएंगे, 5 साल पूरे हो गए, वो रेलवे लाइन का मुद्दा उनका चौपट हो गया। राजनाथ सिंह जी आए, बोले हम जीतेंगे तो फिर लाएंगे। साहब ये सारी चीज़ें हम समझ गए, आप आजाद समाज पार्टी से हैं और भाजपा की जितनी कमियाँ हैं आप गिनाते रहेंगे हमें, और सब लोग गिना रहे, पक्ष का काम यही होता है। आपकी पार्टी से आपने जो प्रत्याशी खड़ा किया था उसका पर्चा खारिज कर दिया गया, अब क्या लग रहा है, किसको समर्थन आजाद समाज पार्टी दे रही है? देखो हमारी पार्टी का चुनाव लड़ना उद्देश्य था, हमारा पर्चा रद्द हुआ, वो हमारी गलती थी, हम उसको स्वीकार करते हैं। लेकिन जो यहाँ पर शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार के मुद्दे पे काम करेगा, जो लोकल का जो प्रत्याशी होगा, हमें लगेगा कि ये यहाँ की विधानसभा की आवाज़ युवा है, वो कोई भी हो सकता है। जो नेताओं की तरह बात घुमाने लगे, कौन है वो? नहीं, वो कोई भी हो सकता है, मैं बता रहा हूँ ना, जो यहाँ की युवाओं को साथ लेके चलेगा, जो क्षेत्र की मुद्दों की बात करेगा, हम उसकी तरफ जाएंगे। क्यों, 20 तारीख को चुनाव है सर, 9 दिन बाकी हैं, आज 11 तारीख हो गई, अभी तक आपको समझ में नहीं आया वो कौन है? देखिए चुनाव ये बुंदेलखंड है, यहाँ एक रात में गेम पलटता है, बात नहीं करेंगे, ये यहाँ गेम एक रात में पलटता है। तो यहाँ पे हम उसको देखें जो भाजपा को हराएगा, सीधे सीधे जो भाजपा को हराएगा, आजाद समाज पार्टी भी उस तरफ जाएगी, वो कोई भी हो सकता है। ठीक। और कुछ लोगों से बातें करेंगे, देखेंगे आजाद समाज पार्टी के पदाधिकारी हैं और क्या रोष है, क्या माहौल बाकी सब लोगों में है। राठ में हम लोग इस समय मौजूद हैं, मैंने पहले भी बताया कि सभी सीटों पर पिछली बार भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा, 19 की 19 सीट बुंदेलखंड की, 7 जिले और सभी पर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा किया। लेकिन इस बार की स्थिति कुछ और बता रही है, क्योंकि जो हवा मैं पहले बता चुका, जो हवा पश्चिमी उत्तर प्रदेश से चली, क्या वो हवा बुंदेलखंड तक आएगी? जी सर, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम संजय कुमार गौतम है। क्या सर, क्या माहौल? माहौल तो कोई खास नहीं है, लेकिन यह है कि राठ में ना तो कोई बढ़त बना रहा है, यहाँ तो बसपा बढ़त बना रही है। बसपा बढ़त बना रही है, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? बसपा कहीं को नजर नहीं आ रही, ना बहन जी कहीं नजर आ रही हैं? क्यों नहीं नजर आ रही है? कहाँ है? बराबर नजर आ रही है, लेकिन मैं तो अपनी पार्टी की बात करूँगा, क्योंकि मैं छोटा कार्यकर्ता हूँ, आजाद समाज पार्टी में अपनी पार्टी की बात कर सकता हूँ। अच्छा, आप ASP का कार्यकर्ता हैं? जी जी। आप बात बसपा की कर रहे हैं? वो ठीक है, बसपा की बात करें, जो यहाँ माहौल चल रहा है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। हाँ। जी तो अगर राठ से हमारा प्रत्याशी का पर्चा कैंसिल नहीं होता तो हम अपने प्रत्याशी की जीत मतलब हासिल कर सकते, सीधी सी बात है। जी 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 सर, क्या नाम है आपका? मेरा गुलाम हसन। बताइए, आप तो खैर समाजवादी पार्टी के लगी रहे हैं हमें। जी, समाजवादी पार्टी को। तो क्या माहौल है सपा से? बढ़िया माहौल चल रहा है राठ में सपा से। काफ़ी नाराजगी की, कुछ लोगों का टिकट कटा और चीज़ें काफ़ी गड़बड़ हुई,
देखिए टिकट कटा वो एक अलग चीज़ होती है, लेकिन अगर जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी ने अगर जो निर्णय लिया है तो हमें सिर्फ उनका चेहरा देख के वोट डालना है, ना कि प्रत्याशी का चेहरा देख कर। नहीं, आप कब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और अखिलेश जी का चेहरा देखते रहेंगे? क्योंकि हमारी विधानसभा में हम अखिलेश जी से डायरेक्ट मिलने थोड़ी जाएंगे, हमारा कुछ काम लगेगा तो हम विधायक के पास जाएंगे, तो विधायक का चेहरा देखना भी ज़रूरी है ना। विधायक का चेहरा देखना ज़रूरी है। जो राठ विधानसभा से चंद्रवती वर्मा जी जो चुनाव लड़ रही हैं वो एक पढ़ी लिखी लड़की है, और वो जानते हैं कि पढ़ी लिखी लड़की को टिकट दिया है ताकि राठ क्षेत्र का विकास हो सके, इसलिए उन्होंने टिकट दिया है। विकास हो जाएगा आपके पास? हाँ, विकास होगा। क्या लग रहा है कि क्या माहौल राठ में है? भाई साहब बता रहे हैं बसपा आगे चल रही है जी। तो कहाँ है सपा, कहाँ है सपा? आप देखिएगा कहीं भी गली में, कहीं भी जाकर देखिएगा, हर कोई सपा सपा चिल्ला रहा है। इस बार साइकिल की 100% सरकार बनना है। साइकिल की सरकार बन रही है? हाँ सर, साइकिल की। साइकिल की सरकार बने ना बने वो तो हम बाद में तय करेंगे, मैं राठ की बात कर रहा हूँ। राठ से सर क्या लग रहा है? राठ से ये लग रहा है कि हमारी जो विधानसभा चुनाव लड़ रही है चंद्रवती वर्मा जी, वो चुनाव निकाल ले जाएंगी। चुनाव निकाल ले जाएंगी जी, चंद्रवती जीत जाएंगी? जीत जाएंगी। और आपकी जो वर्तमान विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी से, मनीषा अनुरागी, मनीषा अनुरागी जी अगर काम करके दिखाती हैं तो शायद वो जीत सकती थी, लेकिन उन्होंने कोई काम नहीं किया। आप सड़कों पे जाके देखिए, रोड का विकास देखिए, कोई भी विकास नहीं हुआ। जलालपुर रोड पे आप जाके देखिए, जलालपुर रोड अभी खुदरा पड़ा है। अगर तुम मोटरसाइकिल लेके जाओगे तो 20 दफ़े पंचर होगी, और पंचर वाला करोड़पति हो जाएगा, और जो मोटरसाइकिल वाला है वो भिखारी पड़ जाएगा। ऐसे रोड है, चरखाई रोड को देख लीजिए, चरखाई रोड पर जाकर ऐसी ऐसा रोड है कि आपकी मोटरसाइकिलें पंचर होती रहेंगी। कोई विकास नहीं हुआ राठ का। अभी राजनाथ जी आए थे आपके यहाँ, वो आके भाषण देके चले गए। भाषण देके चले? हाँ, उनका क्या काम ही है भाषण देना? बस आए, वो कह रहे थे हम करके दिखाएंगे, हमें जिताओ हम करके दिखाएंगे। क्या दिखाओ? अभी तक 5 साल तुमने राज किया, क्या कर लिया तुमने? सारे बात ही झूठे कर दिए। कोरोना काल को अल्ले कर खड़ा कर दिया। आजो, क्या कह रहे हैं आप? आए तो अमित शाह भी थे ना, उन्होंने भी रेल का वादा किया था। अभी तक तो नहीं आई, मनीषा जी सरकार में थी, रेल ला सकती थी अगर चाहती वो, लेकिन नहीं, सोना है उनको तो, उनके मोहल्ले के खुश नहीं है तो हम लोग कैसे खुश होंगे? अपने मोहल्ले के नाली नाले नहीं तोप पाई वो, सड़क तो बहुत दूर है जलालपुर रोड की। क्या अगर वो विकास करती तो साथ खुश होता। हाँ, मैं हालांकि वोटर नहीं हूँ, लेकिन कुछ तो समझ रखता हूँ। कितनी उम्र है भाई आपकी? मेरी 16 साल है, मैं अभी 11th क्लास में हूँ, लेकिन हाँ कुछ नॉलेज रखता हूँ। हाँ, तो 16 साल की उम्र है, और आप बता रहे हैं कि अमित शाह आए थे और रेलवे का, रेलवे स्टेशन का हाँ वादा करके गए। हाँ, तो ये तो खैर ठीक है कि रेलवे स्टेशन का वादा अमित शाह करके गए थे। मनीषा जी भाजपा की विधायक, एक बार भी इसकी बात नहीं उठाई गई, और रेलवे का कोई अता पता नहीं है। रेलवे स्टेशन की आप बात छोड़ दें, और रेल यहाँ से गुजरती, कितनी दूर है यहाँ से रेलवे स्टेशन? कौन सा रेलवे स्टेशन है? हरपालपुर है, हरपालपुर शायद, और भरुआ है, फिर महोबा, 70 महोबा है, 75 के समथिंग, और 50-55 के समथिंग है, और भरुआ शायद ज़्यादा है। और जिले में भी स्टेशन नहीं है? हमीरपुर में स्टेशन नहीं है? हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, जिले में कोई स्टेशन नहीं, कोई स्टेशन नहीं है, वो 65 किलोमीटर दूर है, इधर एरिए पे कोई स्टेशन नहीं, कोई स्टेशन नहीं, कोई स्टेशन नहीं। तो खैर कहीं भी हो, लेकिन मेन हमीरपुर में भी स्टेशन नहीं है, हमीरपुर जिले के, हमें हमीरपुर में भी स्टेशन नहीं है। राठ विधानसभा है, राठ विधानसभा में स्टेशन देने का वादा भारतीय जनता पार्टी ने किया। 5 साल सत्ता में रही, डबल इंजन का बात ही लोग कर रहे थे चुनाव प्रचार के दौरान कि डबल इंजन की सरकार बनाइए, हम लोग काम करके देंगे आप लोगों को। तो बुंदेलखंड की जब हम लोग बात करते हैं, सबसे पिछड़ा इलाका कहा जाता है, पानी की कमी भी है और तमाम चीज़ें, और सारे वादे पर कोई भी बात नहीं पूरी हुई। सड़कों का वही हाल, आप सड़क सड़क चिल्ला रहे हैं कि हमने सड़कें बना दी, सड़कों का मायाजाल खड़ा कर दिया, लेकिन सड़कों की हालात जो है वो खस्ता है। और रेलवे स्टेशन का आपने वादा किया था, रेलवे स्टेशन का कुछ यहाँ पे नामो निशान नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पे और भी कुछ लोग हमारे साथ दिख रहे हैं, कुछ जुड़े हैं। जी जी, बात पहुँचाना चाहता हूँ सब लोगों को। जो अभी जो राठ विधानसभा से जो चंद्रवती वर्मा जी अपॉइंट हुई हैं सपा की तरफ से, तो वो मतलब उनकी जो कुछ फोटोज निकाली जा रही हैं, आपको भी पता होगा उस मुद्दा, तो उनकी फोटोज निकाली जा रही हैं बार बार, और मतलब वो एक एथलीट थी, तो एथलीट उनके कपड़ों को उनको लेकर उनको ट्रोल किया जा रहा है, उनके पहनावों को लेकर ट्रोल किया जा रहा है, और मतलब वो कह रही है कि बाहर पड़ी है, लेकिन वो समझदार है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, मेरे कहने का मतलब ये है कि आप लोग क्यों मतलब फालतू उड़ा रहे हैं? एक एथलीट है, एथलीट रेसिंग सेंस वही होती है। आप लोग पढ़े लिखे हैं, 2022 थोड़ा उस हिसाब से सोचे सब लोग। अच्छा। जो मतलब गंदे गाने लगा रहे हैं उनके नहीं लगा सकते, किसी को मेंटली डिप्रेस करके आप लोग नहीं जीत जाएंगे। जैसा वो अपोजिट पार्टी कर रही है, क्योंकि वो इस समय थोड़ा मतलब डर है, उनको डर है बस उस चीज़ का। आप बताइए, आप पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो आप बताइए कि ये जो आपकी चंद्रवती वर्मा के लिए जो बातें कही जा रही हैं, उनके कपड़ों के लिए जो बातें कही जा रही हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, जो वो खिलाड़ी है एक, और पहले वो ये कपड़े पहनती थी, खिलाड़ी वगैरह ऐसे फिट रहती हैं,
उनकी अगर पुरानी फोटो ट्वीट करने थी हमको तो चुनाव जब उन्हें मतलब जब क्लियर नहीं किया था उनका टिकट तब वो ट्वीट करते तो सही था, लेकिन जब से उनका टिकट हुआ तो मनीषा जी जो है तब भी क्यों सही था, तब भी इसलिए सही था कि अपन कुछ कह नहीं सकते थे। अब तो वो पार्टी के विरोध से कर रही ना ट्वीट, भाई जो विपक्ष इंसान है उनको मालूम है कि हम नहीं निकाल पाएंगे सीट, इसलिए ये फोटो देखे तो फोटो से क्या मिल सकता है उसको। इसलिए पार्टी कार्यकर्ता ये कह रहे हैं तब अगर पहले करते टिकट होने से पहले तब ठीक था, लेकिन मैं एक पत्रकार होने के नाते ना ये तब ठीक था ना ये अब ठीक है। कोई महिला किस तरीके से कपड़े पहनेगी, क्या पहनेगी, क्या नहीं पहनेगी, ये उस महिला के ऊपर है। हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और एक संवैधानिक देश में रहते हैं, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। तो एक महिला और या कोई भी व्यक्ति क्या कपड़े उसको पहनने और क्या नहीं पहनने ये उस पर निर्भर करता है, वो क्या पहनना चाहता है और क्या नहीं पहनना चाहता, ठीक है। तो जी ये तो कह रहे थे कि मतलब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा ये खुद लगाते और ऐसी फोटो ट्वीट करवा रहे अपनी पार्टी से। इन्हें डर एक इन्हें डर है कि अगर ये आ गई तो ये एक लोधी समाज वोट तो मिलना ही है, बाकी यादव मुस्लिम तो मिलता ही है वोट, सीट जो निकाल ले जाएंगी। तो ये फोटो दे के ये साबित करना चाह रही थी हम इनकी गंदी फोटो निकाल के हम सीट जाति समीकरण साथ गए आप, वो जाति के ऊपर डिपेंड करती है पूरा जी। ठीक है जी, क्या कहना चाह रहे, कुछ कह रहे थे आप। इस बार का चुनाव भाजपा सरकार की नाकामी, ठीक है, भाजपा सरकार जो हिंदू मुस्लिम करना चाहिए हिजाब और नकाब पे चुनाव कराना चाह रही है उस पे चुनाव, युवा नहीं युवा रोजगार के सवाल पे चुनाव करेगा, ठीक है। यहाँ के राजनीति यहाँ के पर्सनल मुद्दे राठ के, ठीक है, राठ में रेल लाइन की व्यवस्था, राठ की सड़कों की व्यवस्था आप खुद देखिए, जिस तालाब में खड़े हैं यहाँ आपको ये शाम को ये पर्यटन स्थल होना चाहिए था, देखिए किस तरह यहाँ महीनों से बंद पड़ा हुआ है यहाँ का ये चीज़ें, मतलब हाँ ये फब्बारा महीनों से यहाँ बंद पड़ा हुआ है। तो यहाँ के जो स्थानीय मुद्दे थे उन पर बिल्कुल काम नहीं हुआ पिछले 5 सालों में, ठीक है, और क्षेत्र जो रोजगार की समस्या थी जस की तस है, आपने देखा 69 आरक्षण वाली घोटाले में सरकार ने एक बार भी 6800 चयनित बच्चे, ठीक है, जिसमें मेरा भी एक भाई चयन था 68 चयन में, उसको बोल दिया कि आपको 5 दिन के अंदर आपकी भर्ती के लिए अगर आ रहे 5 तारीख को, 5 तारीख के बाद 7 तारीख चाहे संहिता लग गई और अब तक भर्ती के लिए नहीं। तो मतलब सरकार पूरी तरह 5 साल रोजगार के मुद्दों फैल रही है, इस बार हम उसी सरकार को चुनेंगे जो रोजगार के मुद्दे पर काम करेगी। आपकी नजर में कौन सी सरकार, कौन सी सरकार रोजगार देगी वो बताया जाएगा समय के साथ, अभी अभी बताना नहीं चाह रहे क्योंकि ये खुद एक पदाधिकारी हैं दूसरी किसी पार्टी के, तो ये नाम नहीं लेना चाह रहे किसी का। जी भाई साहब क्या नाम है आपका, पीछे हट गए, क्या नाम भाई साहब, तो अभी हाँ। अभी लेकिन हाँ एक और बात, ये सरकार केवल आप दोनों ट्विन्स हैं क्या, हाँ दोनों ट्विन्स हैं, क्या नाम है आपका, अमन, आप आ गए तो भाई साहब बोलने का मैंने को दिया गया, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अब है अमन, दोनों 16 साल की, हाँ 16 साल के दोनों, 11th में दोनों, कहाँ रहते हैं, यही पास में अम्बे पैलेस के पास में। अच्छा तो अच्छा इन्होंने तो बता दिया, आप बताओ कि क्या लग रहा है इस बार चुनाव में, इस बार पक्का साइकिल साइकिल, हाँ क्यों, मुद्दे बहुत हैं इस बार, देखो वो सबसे बड़ा वादा किया था मनीषा जी ने, यहाँ रेलवे आएगी पहले ही 5 साल के पहले ही साल के अंदर, वो अमित शाह जब आए थे यहाँ तो वो तो आए नहीं पाए, बात भी नहीं पहुँची, आप भी रेलवे की वजह से आप भी परेशान, हाँ वही चीज़, और काफ़ी कुछ काम भी नहीं हुआ ज़्यादा, देखो अरे क्या करोगे ट्रेन का, लिखाई करो, नहीं वो तो जरूरी है वो हो रही है साइड में, लेकिन कुछ देखना भी चाहिए ना, कहाँ जाना है, जाना तो कहीं नहीं है, मतलब क्या करोगे फिर ट्रेन, ट्रेन अरे तो यहाँ से मान लो हमें पास तो में कोई, हमें नहीं जाना तो और भी तो लोग हैं ना, ये लोग तो जा सकते हैं ना, हमें नहीं जाना, ये सरकार केवल चर्बी और गर्मी की बात कर रही, भर्ती की कोई बात नहीं हो रही है, चर्बी और गर्मी की बात हो रही, भर्ती की बात कर रहे ना, जो मुद्दा है जो मुद्दा कोई नहीं ला रहा है। तो फिलहाल हम लोग और कुछ लोगों से बात करें, कोई और बात करना चाहता तो हाथ खड़ा कर दे, मैं किसी के पास माइक लेके नहीं जाऊंगा इस तरीके से। हाँ जी भाई साहब, क्या नाम है आपका, प्रिंस वर्मा, प्रिंस वर्मा, हाँ सर, क्या माहौल है सर, सर आप ये बताइए पिछले 5 सालों में कौन सी युवा के लिए भर्ती निकाली गई, हमारे पहले कहा गया था कि हमारे युवा जो पढ़े लिखे होंगे उन्हें रोजगार दिया जाएगा, आप ये बताइए पिछले 5 साल में कौन सी भर्ती निकाल दी गई थी, हाँ तो रोजगार नहीं मिला, हाँ सर आप ये देखो 1300 से 1400 समथिंग कोई वीडियो की भर्ती निकली थी, उसका रिजल्ट आया, उन्होंने कहा को हम ज्वाइनिंग लेटर देंगे, 3 साल बाद युवाओं को कहा जा रहा है कि उसमें धांधली हुई, तो बच्चा तो डिप्रेशन में चला जाएगा ना, आप बताइए आप क्या करते हैं, मैं सर पढ़ रहा हूँ अभी, कौन सी क्या कर रहे हैं, बीएससी फर्स्ट ईयर, हाँ तो रोजगार आपको भी चाहिए, बिल्कुल चाहिए, कौन देगा रोजगार, कौन सरकार देगी रोजगार, कौन सी सरकार, अब वो सरकार जो बनेगी, तो चुनाव आ गए ना, अब किसकी सरकार बनाएंगे, किससे रोजगार मांगेंगे, जो बन जाएगी सरकार हम उससे मांगेगी, हम जनता हैं, बना रहे हैं, अरे यार जब वोट पड़ेंगे सरकार बन जाएगी तो आप किसकी बना रहे, मेरे अकेले वोट से पता चल जाएगी कि सरकार किसकी बन जाएगी, आप बताइए,
आप बताइए वोटर जो है वोटर इसको वोट डाल दे तो उसकी सरकार बन जाएगी। वोटर इतना शातिर हो गया है कि बताएंगे नहीं, राजनीति वोटर भी करना सीख गया है। तो मतलब आप साथते रहिए, आप अपनी आप जाति के हिसाब से अपने अपने समीकरण साथते रहिए, लेकिन आप युवाओं के नाम पे अपने अपने वोटरों को साथते रहिए, महिलाओं के नाम पे अपने वोटरों को साथते रहिए, लेकिन वोटर इतना शातिर हो गया है ना आपके हिजाब पे आएगा, ना आपके हिंदू मुसलमान पे आएगा, ना जाट मुसलमान पे आएगा। जी हाँ, आज का युवा पढ़ा लिखा है, हिंदू मुसलमान जातिवाद हमें ये नहीं चाहिए, हमें एक पक्का हिंदुस्तानी चाहिए जो पढ़ा लिखा हो। कौन है पढ़ा लिखा? वही तो आपके योगी जी भी थे, तो क्यों वहाँ पे घंटा बजा रहे बैठ के? फिर आप ये बताइए, फिर कौन भर्ती दे दी उसने, कौन सी भर्ती दे दी? बता तो दो किसको समर्थन दे? हम ये क्यों बताएं? अरे आप ये अगर समर्थन देना होता खुले रूप में तो वहाँ पे जो मतदान होता है वो चार दीवारी के अंदर क्यों होता है? बुद्ध पर सबके सामने चौराहे बैठ के न कराया जाए? आप बताइए ये बात। अगर वो पढ़े लिखे होते तो ये नहीं बोलते हम ठोंक देंगे, हम जून में शिमला बना देंगे। ये तो एक गुंडे मवाली गर्मी लेंगे, एक गुंडे मवाली वाली भाषा है। अगर आपके ओवैसी साहब पढ़े लिखे हैं कि नहीं बताओ? ओबाई साहब तो बैरिस्टर हैं, उनके पास डिग्री है, लेकिन अगर ये पढ़े लिखे वाली भाषा आप बताइए। लेकिन मैं किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, सवाल कर रहा हूँ। चलो जो ओबैसी साहब है उनके पास तो डिग्री है ना बैरिस्टर की, इनकी मोदी के पास तो कोई डिग्री भी नहीं है। मोदी के पास हो चाहे ना हो, मोदी जी तो बहुत कुछ कर चुके हैं। मोदी जी ने भिक्षा मांगी है, मोदी जी ने चाय बेची, मोदी जी अवतार है। मोदी जी आपने देखी? आपने देखी चाहे तो अमित शाह ने उनकी दिखाई थी डिग्री, तो वो बहुत पार्टी वाले लोग हैं ना, वो तो कुछ भी दिखा सकते हैं। आप मेरे घर जब अमित शाह साहब ने उनकी डिग्री दिखाई तो वो अपनी स्वयं की डिग्री अपने यहाँ पे लगा के नहीं दिखा सकते? आप बताइए ना, अगर अमित शाह उनके कौन है? पार्टी मेंबर है, उनकी स्वयं की डिग्री है, तो अपनी ऐसे लगा के यहाँ पे कैमरे के सामने नहीं आ सकते? कैमरे के सामने क्यों नहीं आते मोदी जी? हाँ तो अपनी डिग्री लाए ना, दूसरों को क्यों दे रहे हैं अपनी डिग्री? जब उन्होंने मेहनत की, पढ़ाई की, तो अपनी डिग्री ऐसे कर लें? अब मेरी डिग्री मांगने लगेंगे? तो मंत्री यार डिग्री आप मांग रहे हो, तो फिर जब डिग्री नहीं मांग रहे तो दूसरा व्यक्ति क्यों देगा डिग्री? वो खुद दें अपनी डिग्री, तो बताइए आप ये। चलो ठीक है, युवा काफी नाराज है। और कुछ लोग अगर कुछ लोग बात करना चाहते हैं तो चलिए ठीक है। तो फिलहाल मैं ये वीडियो राठ विधानसभा हम लोग मौजूद हैं, ये सागर तालाब एक बार दिखा दो जरा घुमा के। सागर तालाब पे हम लोग मौजूद थे, यहाँ से लोगों से जानने और समझने की कोशिश करी कि क्या माहौल है और क्या होगा राठ विधानसभा में, किसकी कौन होगा यहाँ से विधायक। 19 सीटें पूरे बुंदेलखंड में हैं, बुंदेलखंड दौरे पर आ चुके हैं और 19 की 19 सीटों पर आपको समीकरण दिखाएंगे, क्या समीकरण, किसको लोग चाह रहे हैं, भाजपा सरकार से कितना खुश और कितना नाखुश हैं। तो फिलहाल ये वीडियो मैं खत्म कर रहा हूँ, आप लोगों से मुलाकात होगी दूसरी वीडियो में कुछ और लोगों के साथ। तो तब तक के नमस्कार, खुश रहें, स्वस्थ रहें।